हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी एंड आज हम लोग अम्पायरिंग के लॉज के बारे में बात करेंगे। ये लॉज वो लॉज हैं जो सारे अम्पायर्स को जानना ज़रूरी है, थरो होना चाहिए इन लॉज के बारे में। हमें जो भी अम्पायर बनना चाहते हैं या अम्पायर हैं, दे शुड बी वेरी थरो विद दीज लॉज। एंड ये जो लॉज हैं इनको बनाया है MCC ने, जो कि मेरली बॉर्न क्रिकेट क्लब है, और ये 42 लॉज हैं। तो हमारी शुरुआत ऐसे होती है कि पहले जो लॉ बुक है हमारी, उसमें हमारा सबसे पहले प्रियम्बल हमारा होता है। तो प्रियम्बल जो होता है वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट रहता है हमारा। तो उसमें ये बताते हैं प्रियम्बल में कि जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर इंश्योरिंग फेयर प्ले इन क्रिकेट रेस्ट विद द कैप्टन्स। ओके, तो यहाँ पे कैप्टन्स की भूमिका सबसे ज़्यादा है कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें फेयर प्ले से ही क्रिकेट का गेम करवाना है। दूसरी चीज़, रिस्पेक्ट इज सेंट्रल टू द प्ले ऑफ क्रिकेट, मतलब कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी दो टीम्स होती हैं, आपस की टीम्स, आपस में एक दूसरी टीम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आफ्टर द मैच गेट्स ओवर, ये हमारा रूल होता है कि हम हैंडशेक करते हैं, तो ये जो प्रोसेस रहता है, दैट दिस थिंग इज़ कॉल्ड रिस्पेक्ट। सो रिस्पेक्ट इज़ वेरी सेंट्रल टू क्रिकेट। तो हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है हमारी लॉज की, उसमें प्रियम्बल रहता है। जैसे पॉलिटिकल उसमें या फील्ड में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, उसका भी प्रियम्बल रहता है, वैसे ही हमारे क्रिकेट में भी प्रियम्बल रहता है। तो प्रियम्बल में वो बताते हैं कि जो कैप्टन है उसको हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेयर प्ले होना चाहिए, और दूसरी बात कि रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। फिर हमारे 42 लॉज में, एज दीज लॉज आर वेरी इन डेप्थ, मतलब इनकी जानकारी सिर्फ ये नहीं कि हमें बस लॉ पता होना चाहिए कि लॉ नंबर वन प्लेयर से डील करता है, प्लेयर से डील करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करूँगी। तो आज सिर्फ हम लॉ वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लॉ वन जो है, आउट ऑफ द 42 लॉज, लॉ वन डील्स विद प्लेयर्स। अब इस प्लेयर्स में क्या रहता है कि हम बेसिकली 11 प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, और उन 11 प्लेयर्स में एक हमारा कैप्टन होता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि बाय एग्रीमेंट बिफोर द मैच स्टार्ट्स 11 प्लेयर्स से हम कम भी खेल सकते हैं, 8 प्लेयर्स के साथ भी खेल सकते हैं। वो एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों टीम के बीच में, कैप्टन्स के बीच में, अंपायर शुड बी नोइंग अबाउट इट। तो और हम ज़्यादा 11 प्लेयर से ज़्यादा भी खेल सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस टाइम पे 11 प्लेयर्स ही फील्ड करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 11 प्लेयर्स ही फील्ड करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैच स्टार्ट होने से पहले ये कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नॉमिनेट करे प्लेयर्स को। तो नॉमिनेट जो प्लेयर्स खेलते हैं, दोज प्लेयर्स आर कॉल्ड नॉमिनेटेड प्लेयर्स। तो कैप्टन राइटिंग में उन प्लेयर्स के नाम लिखता है, उनको बोलते हैं नॉमिनेटेड प्लेयर्स, और वो इन राइटिंग देता है अंपायर को, एनी वन ऑफ द एम्पायर्स, टू एम्पायर्स रहते हैं, एक अंपायर को वो देता है। फिर दूसरी चीज़ है कि अगर हमारे को किसी भी नॉमिनेटेड प्लेयर, जैसे 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, अगर ऐसा हुआ कि हमें एक नॉमिनेटेड प्लेयर को रिप्लेस करना है, तो वो रिप्लेस सिर्फ उस टीम का कैप्टन अकेले नहीं कर सकता है, उसको दूसरे टीम के कैप्टन का कंसेंट चाहिए होगा, विद द कंसेंट ऑफ द ऑपोजिंग टीम्स कैप्टन। एक प्लेयर जो नॉमिनेटेड प्लेयर है वो रिप्लेस हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कैप्टन अवेलेबल ना हो उस टाइम पे जब मैच स्टार्ट हो, तो कोई भी नॉमिनेटेड प्लेयर, जो 11 प्लेयर्स हैं जिसमें कैप्टन भी है, तो सिर्फ नॉमिनेटेड प्लेयर ही, कोई एक्स्ट्रा नहीं, जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो नहीं, सिर्फ नॉमिनेटेड प्लेयर ही एज अ डिप्टी उसकी जगह एक्ट कर सकता है। और वो इस हद तक एक्ट कर सकता है कि टॉस भी, अगर टॉस में भी कैप्टन हमारा एब्सेंट है, तो वो टॉस भी कर सकता है इन प्लेस ऑफ द कैप्टन।
तो वो सिर्फ डिप्टी जो है नॉमिनेटेड प्लेयर ही एक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब कैप्टन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो हमारा लॉ वन है, वो इस तरह से हमारा होता है कि कैप्टन इज़ रिस्पॉन्सिबल एट ऑल टाइम्स दैट द प्ले इज कंडक्टेड विद इन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। ये हमारा मेन चीज़ है जिसपे हमारा लॉ वन में बताते हैं कि प्लेयर्स कैसे नॉमिनेट होते हैं। प्लेयर्स को कैप्टन नॉमिनेट करता है, बिफोर मैच इन राइटिंग अंपायर को देता है। हम नॉमिनेटेड प्लेयर में एक प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ अदर कैप्टन, अदर टीम्स कैप्टन। फिर अगर हमारे खुद की टीम का कैप्टन नहीं है तो हमारा सिर्फ नॉमिनेटेड प्लेयर ही डिप्टी की तरह एक्ट कर सकता है। और जो फेयर प्ले होता है क्रिकेट में कि कुछ भी एग्रेशन नहीं हो और रूल्स ना तोड़े जाएं, जिसको बोलते हैं फेयर प्ले, तो वो कैप्टन इज़ रिस्पॉन्सिबल एट ऑल टाइम्स दैट द गेम इज़ प्लेड विद इन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। तो ये हमारा लॉ वन होता है। फिर हमारा लॉ टू जो रहेगा, जिसमें हम अंपायर्स की बात करेंगे, मैं थोड़ा सा बस बताना चाहूँगी कि अंपायर जो रहते हैं, दो अंपायर्स रहते हैं, वो जो हैं हमारे मैच से पहले ही उनको अपॉइंट कर लिया जाता है और उनकी मतलब मिनिमम उनको 45 मिनट्स पहले एग्जीक्यूटिव जो रहता है ग्राउंड का उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस अपने वीडियो में लॉ वन को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। लॉ टू को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, जो कि रहेगा अंपायर्स के बारे में। मैं इसलिए धीरे धीरे वो कर रही हूँ क्योंकि ये इनडेप्थ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताना चाहती हूँ कि लॉ वन प्लेयर्स से डील करता है, लॉ टू अंपायर से डील करता है। सो इट्स बेटर कि अगर मैं आपको इनडेप्थ बताऊँगी तो ये अच्छा रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।